तो भाई अभी जो है सामने डॉग खड़ा है, ओ भाई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर इधर साफ जगह पे खड़ा था ना। अबे यार रोटी गर्म है शायद, नहीं खा पाए, नहीं खा पाए यार। अम्मी जान के हाथ चल रहे हैं, अम्मी जान दुआ मिलेगी। भाई अम्मी जान देखो, ओए ओए भाई सलाम है अम्मी जान को, ये भी यार करके दे रही है मम्मी जान। बस 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 छोड़ दे, छोड़ दे, काफी है, काफी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोना जी व्लॉग्स। कैसे आप लोग, उम्मीद है सब खैर से होंगे, मजे में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज यार मैं आपके साथ ऐसा सीन शेयर करने वाला हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, मुझे भी काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि यार मैं आपके साथ ऐसा सीन शेयर करने वाला हूँ, आप लोग को मजा आ जाएगा। आप लोग जो है ना बोलोगे वाह सोहेल भाई आपने क्या जो है सीन के, जैसे मैं सीन में कभी कभी करता रहता हूँ, ये बात नहीं है कि मैं आज वो सीन कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं कभी कभी करता रहता हूँ। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यार, बड़ा मेरा जो है ना एनिमल से ना मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आज भी जो सीन दिखाने वाला हूँ ना, वो भी एक एनिमल का है, और ऐसे एनिमल का है जो कि काफी वफादार, और जिसने वफादारी में ना नंबर वन, वर्ल्ड में नंबर वन उसने जो है करके दिखाया है कि वफादारी क्या होती है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस एनिमल की बात कर रहा हूँ। हाँ तो भाई आप लोग समझ गए ना, डॉग में डॉग की बात कर रहा हूँ। हमारे गली में एक ऐसा डॉग है जो कि यार हमारे गली के सारे जो घर है ना उनकी सबकी हिफाजत करता है, और हम जहाँ भी जाते हैं ना हमारे पीछे पीछे आता है, मतलब हमारी हिफाजत करता है। तो वो आज मैं उसको जो है ना अपनी तरफ से कुछ खिलाना चाहता हूँ। वैसे भी मैं उसको हम लोग जो है ना कभी कभी खिलाते रहते हैं, जब भी हमारे पास कोई चीज होती है खाने की तो हम कभी कभी उसको खिलाते रहते हैं, लेकिन जो है आज मैं अपने दिल से उसके लिए मम्मा जान से पराठे बनवा रहा हूँ, बड़े अच्छे वाले अच्छी अच्छी किस्म की रोटियां बनवा रहा हूँ। वैसे तो देखो जो भी जिस लोगों के पास जो कुछ होता है बचा कुचा वो दे देते हैं डॉग को बाहर जाके, तो मैं आज स्पेशली उसके लिए घर में अम्मी जान से पकवा रहा हूँ उस डॉग के लिए रोटियां, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि मैं उसको स्पेशल रोटियां बना के खिलाऊं अपनी तरफ से, क्योंकि ये बहुत सवाब का काम है, और इस जानवरों के साथ बंदा अच्छे सलूक करे, और क्योंकि ये बेजुबान जानवर है ये दुआ करते हैं। तो मैंने सोचा मुझे भी हो सकता है, काश वो दुआ कर दे कि मेरे 100 के सब्सक्राइब हो जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइब हो जाए, हो सकता है, क्योंकि यार बेजुबान जानवर की दुआ सबसे पहले अर्श पे पहुंचती है और अल्लाह पाक सुनता है बेजुबान जानवर की दुआ। बात तो सही है। तो मम्मा जान जो है आटा गूंद रही है, मम्मा जान ये आटा गूंद रही है ना उसके डॉग के लिए गूंद रही है ना। तो भाई ये आटा जो है मैंने सेपरेट अलग से अम्मी जान को खरीद के दिया, क्योंकि मैंने अम्मी जान वैसे हम लोग जो है ना अगर उस दिन भी अम्मा जान ने अपनी तरफ से घर का आटा दे दिया था कि उनमें से रोटियां बना के दी थी, मैंने डॉग को खिलाई थी, लेकिन अब रोज रोज तो बंदा नहीं बोल सकता ना अम्मी जान को, तो अम्मी जान ने बोला आप अपनी तरफ से लेकर आओ, तो मैं अपनी तरफ से आटा लेकर आया हूँ जो कि मम्मा जान अभी देख रहे हो बना रही है, और मम्मा जान मुझे स्पेशल रोटियां बना के देंगी। ये चूल्हा वोला तैयार हो गया, बस अम्मी जान रोटियां तैयार करेंगी, और मम्मा जान इतनी हेल्प कर रही है मेरी, तो मैं भी जाहिर सी बात है काम में हेल्प करूं थोड़ी। तो मम्मी जान अभी स्पेशल रोटियां बनानी है स्पेशल फॉर डॉग, उस डॉग के लिए स्पेशली हम तैयार कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ आज उसके साथ उसको यहाँ पे बुलाएंगे, और उसको हो सकता है नहीं है, लेकिन उस दिन मैंने उसको बाहर जाके खिलाया था, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा उसको बुला के अंदर जो है उसको खाना खिलाएंगे, और अच्छे तरीके से जो है आपको वो सीन दिखाएंगे। तो यार अभी तक आपने उसको एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो भाई मैं इस व्लॉग को यहाँ से करने लगा हूँ स्टार्ट, सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। देख के आता हूँ बाहर है ही या नहीं है यार, वैसे नहीं तो मम्मा जान रोटियां बना रही है और वो बाहर है ही नहीं, तो फिर हमारा रोटियां बनाने का क्या फायदा, चेक करते हैं यार बाहर है कि नहीं, अगर जो है ना फिर उसको बुलाएंगे भी तो सही यार घर में, देखिए है। तो भाई मैं जो है बाहर आ चुका हूँ और मेरे कुछ दोस्त खड़े हैं, इनसे पूछता हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, और सुनाओ सब खैरियत। अच्छा यार वो हमारा जो गली की हिफाजत करता है डॉग वो कहाँ पे सोया हुआ है, वहाँ पे। हाँ यार मैं आपको दिखाता हूँ, वो रहा सामने सोया हुआ है, तो इसको यार खाना वाना खिलाते, उस दिन भी मैंने इसको खिलाया था, मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो यार बेचारा देखो यार गली की पूरी हिफाजत करता है, और देखो यार बेचारा भूखा हुआ लग रहा है, ये देखो यार ये तो उछल रहा है, मतलब इसको बहुत ज्यादा भूख लगी है ना, ऐसा लग रहा है ये नींद में है भाई, काटे काट वाट ना ले हमें, है ना नींद में ये।
तो यार ये जो है ना मुझे लग रहा है ये समझ गया है, क्योंकि उस दिन भी मैंने इसको खाना खिलाया था ना, ये अभी मुझे समझ गया है, ये जो है ना अब देखो पीछे पीछे आ रहा है, मुझे लग रहा है ये समझ गया है। तो अभी जो है ना इसको मैं बुलाऊंगा अंदर, जब तक रोटियां वोटियां तैयार हो जाए इसकी। तो भाई इसने ये जो है नींद से उठाए हुए, देखो फ्रेश फ्रेश हो रहा है भाई, देखो ये देखो फुल फ्रेश हो रहा है भाई, शायद इसको पता चल गया है भाई मेरा। चलो अच्छी बात है पता चल गया है तो यार। भाई आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अबे ये देख फिर से वही कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना मैं इसके सामने गया अचानक से ये नींद में उठ गया ना, तो यार ये समझ गया है, पूंछ ला रहा है ना, मतलब समझ गया है ये कुछ इसको मिलेगा खाने के लिए। तो अभी मैं इसको यहाँ पे घर थोड़ा सा अंदर लेके जाऊँगा, खाना वाना खिलाऊंगा इसको, मज़ा आएगा यार। ये समझ गया है शायद, ये देखो यार, मतलब यार ये गली में, यार ये अंदर जाते हैं गली में, वैसे इन लोगों के घर में रहता है, ये आप लोगों के घर में रहता है ना, बाहर ही होता है, बाहर होता है यार, मतलब हिफाजत करता है ना हमारे घर की यार, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ भाई मतलब जोड़ीदार है, फिर अकेला क्यों सोया हुआ है? यार अम्मी जान को बता दो, अम्मी जान मुझे पता है ड्रॉप के सामने खड़ा होगा ना, वो समझ गया मेरे पीछे आया यहाँ पे, कभी नींद से उठकर होश में भी नहीं था, गिर रहा था ऐसे ऐसे, फिर भी यहाँ पे गेट तक आ गया, उसको लग रहा है समझ गया, उसको आज रात पता चल गई कि मैं जान को खाने के लिए। अच्छा रोटी बन गई है, एक बनी है ना, ऐसे करो कितनी बनेंगे अभी, और चार बन जाएंगी ना, तो देखते हैं अगर वो चार खा लेते तो ठीक है अच्छी बात है। मुझे लग रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा सोया हुआ था, और मुझे लग रहा है कि उसको काफी ज्यादा जो है भूख लगी है। अभी मामा ऐसे करें दो फिलहाल बना के देते हैं मुझे, अगर दो खाने के बाद उसको और भूख लगी ना डॉग को तो फिर दो और बनवा लूंगा मैं आपसे, वरना आप जब तक मैं दो खिलाऊंगा ना तब तक आप दो बना लेंगे, सही है, तब तक मैं जो है ना ये दो खिला लूंगा इसको। तो छोटे छोटे टुकड़े भी करके दे देना, क्योंकि गर्म है ना नहीं खा पाएगा, छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो ठंडी भी हो जाएगी। मामा जान सवाब मिलेगा आपको, अच्छी बात है, सवाब सवाब का काम है भाई भाई, क्योंकि हो सकता है अगर डॉग की मुझे दुआ लगे। हाँ मामा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, 100 के हो जाए, हो सकता है ना मामा, इंशाल्लाह भाई। मम्मा की मम्मा तो वैसे दुआ करती रहती है डेली मुझे। मम्मा जान है ना पूरी रोटी वोटी है ना टुकड़े कर दिए, दो रोटियां जब, और दो रोटियां जो है दूसरी मम्मा बना रही है, जब तक मैं ये खिलाऊं, अगर उसको ज्यादा भूख होगी तो दो रोटियां और ला मम्मी से लेकर खिला दूंगा, तो अभी जो है ना बाहर खड़ा है और मैं इसके लिए लेकर जाता हूँ यार। ये रहा तो भाई अभी जो है सामने डॉग खड़ा है, वो भाई आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इधर इधर साफ जगह पे खिलाते हैं ना। अबे यार रोटी गर्म है शायद, नहीं खा पाए। ओए भाई इसके लिए अगर ये खा तो नहीं रहा, गर्म होगा शायद, हाँ इसलिए ये देख, हाँ गर्म है यार, मुझे ठंडा करना, क्योंकि यार मैंने सोचा गर्म गर्म है ना सूख जाएंगी, मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा गर्म गर्म रोटी लेनी चाहिए, तो यार वो इंसान थोड़ी है ठंडा करके खाएगा। नहीं उस दिन मैंने इसको खिलाया ना तो काफी जो है ना इसको भूख थी, और मतलब जितनी मैं इसको दे रहा था ना वो खाता जा रहा था, तो मैंने सोचा यार आज इसको ना अपने हिसाब से देते हैं, अगर ये ज्यादा भी मांगेगा तो मैं ज्यादा भी दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो भाई रोटी जो है थोड़ी बहुत गर्म है, अभी ट्राई करते हैं थोड़ी बहुत, मतलब इतनी ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी थोड़ी गर्म है, तो मैंने सोचा यार इसको अच्छी रोटी फ्रेश वाली खाए, तो भाई जाहिर सी बात है अब ये इंसान थोड़ी है, लेकिन ये है कि इसको फ्रेश रोटी मिलेगी ना तो मजा आ जाएगा इसको। यार इसमें इसको साफ जगह पे दे रहा हूँ फिर भी मट्टी में लेकर जा रहे हैं, गर्म होगी ना तभी हो। नहीं नहीं गर्म नहीं है अब, सही है यार, देख इसको भूख है, मतलब है ना बहुत है भूख है इसको शायद, क्योंकि यार मैं इसको देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि इसको और भी भूख लगेगी इसके बाद भी। और आदिल और हैं यहाँ पे लोग? लोग नहीं, यही है बस, आता रहता है भूखा है बहुत। अच्छा दूसरा अब था ये पटरी किस तरफ से आता है शायद ये, लेकिन यार मैंने देखा ये सारी सारी रात हमारी गली में जो है अभी इधर घूमता है अभी, क्योंकि हम रोटी देते हैं ना उसको तभी। आप लोग भी देते हो उसको? हाँ ना हम देते हैं, ये देते भाई देख रहे हो यार इसको कितनी ज्यादा भूख है यार, और मतलब जो है ना ये गली में रहता है यार, हिफाजत करता है सब घरों की, तो जाहिर सी बात है हमारा फर्ज बनता है। हाँ आदिल भाई, तो इसलिए यार मैंने उसको मैं वैसे भी इसको कभी कभी नहीं खिलाते रहता हूँ, तो मैंने सोचा आज ना इसको पेट भर के अपने हिसाब से देते हैं, ताकि जो है ये अपने हिसाब से खाए। इसको हाथ लगा सकता हूँ मैं? नहीं गंदा नहीं है, सही है, सही है ना। वो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई, दुआ कर मेरी 100 के सब्सक्राइबर हो जाए, सही है ना भाई, 1 मिलियन की दुआ कर यार, इसकी लग जाती है ना जानवरों की दुआ लग जाती है, तो यार हो सकता है इसके बाद मेरी इसकी दुआ लग जाए, हैं वो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जो है ना बेजुबान जानवरों की दुआ जल्दी लगती है, इसके बाद तो दो और भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है
भूख बहुत लगी ना इसको तभी। हाँ, एक, 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 ये अगर खत्म हो जाए ना उसके बाद फिर दूसरी आऊंगा। अल्लाह करे आपके 1 मिलियन हो जाए। हाँ 1 मिलियन हो जाए तो भाई इसके लिए मैं टिक्के कोफ्ते कढ़ाई सब कुछ बना के ले आऊंगा भाई। आप लोग भी देखना, मजा करूंगा फिर अगर ऐसा हुआ तो। और हमें आप लोगों को भी यार, आप लोगों के लिए स्पेशल एडिशन होगा यार, स्पेशल एडिशन। यार ये देखो मैंने इसको 2 रोटियां खा ली, इसने बिल्कुल क्लियर खा ली। अब ये दोबारा भी खड़ा हुआ है और मुझे लग रहा है 2 रोटियां और भी इसके लिए लानी पड़ेंगी। सो मैं उसके लिए अभी ला रहा हूँ। मम्मा जान को बुला रहे कि तैयार करें, वो तैयार कर रही हैं, बस इसके लिए अभी मैं ला रहा हूँ। भाई मम्मा जान ने एक और रोटी तैयार कर दी, बस लास्ट है और चलो ये लास्ट भी पक जाए, 2 रोटियां और हो जाएंगी। मम्मा जान उसको और भी भूख है, और भी भूख है। आजा मेरी शेर, आजा आजा आजा। खाजा खाजा आजा भाई, मेरे शेर भाई बहुत प्यारा है यार। पता नहीं अभी क्यों स्टॉप क्यों हो गया, पता नहीं आ नहीं रहा। नहीं आपने उसको थोड़ा वो कर दिया ना, मतलब कि आपने थोड़ा इंतजार उससे करा। हाँ, असल में वो रोटी गर्म थी ना, मसला ये नाराज हो गया मेरे ख्याल से शायद। रोटी गर्म थी ना यार, मैं क्या करूँ, खा रहा नहीं है अभी, शायद पेट भर गया उसका। मुझे भी यही लग रहा है। कह रहे अबे रोटी गर्म थी इसीलिए भाई तेरे को मैं इंतजार करवा रहा था। ये ले, किस साथियों को लेके। हाँ ऐसे भी लग रहा है मुझे। तो इसका बेटा बेटा हो। यार ये देखो भाई मैंने इसको डाल दिया है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि इसका पेट शायद भर गया था मेरे ख्याल से, तो ये खुद ही खा लेगा। मैंने यहाँ पे सारी रोटी डाल दी है इसकी। अभी भाई जो भी यहाँ से गुजर रहे उसके ऊपर चिल्ला रहे, मतलब हिफाजत कर रहे हैं। हाँ आदिल भाई, भाई देखो यार मैंने इसको थोड़ा खाना खिलाया, हिफाजत करना शुरू किया, मतलब यही होता है यार वफादार का किंग जो बोलते हैं ना। वफा में जो है ना, जिसने वर्ल्ड कप जो है ना, वर्ल्ड में नंबर 1 हासिल किया ना, वो इसने किया भाई। ये वफादारी सही निभाते हैं, वफादारी का बेस्ट जो है ना, सबसे वर्ल्ड नंबर 1 पे यही आते हैं जानवर, जो कि क्या बोलते हैं इंसानों से भी 100 दफ़ा ज़्यादा अच्छी वफा निभाते हैं। और वो आप लोगों को पता है, मैं बताना तो नहीं समझूंगा, क्योंकि आप लोग होशियार हो, खुद भी समझदार हो यार। मम्मा लोग ने मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा दुआएं दी है मुझे, और यार उसने माशाल्लाह से जो एंड में उसने रोटी, क्योंकि उसको मुझे लग रहा है पेट फुल हो गया था, तो मैंने बाकी रोटी उसको बाहर डाल दी, और उसने पता नहीं अपने साथियों को कोई आवाज लगाई, तो उसके साथी वगैरह जो है ना वो लोग रोटी खा रहे हैं उसकी जो बची हुई है ना एंड वाली। तो यार काफी मजा आया। अमीन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना आपको मेरे खिलाफ? तो यार मुझे भी अच्छा लग रहा था, और उसने पेट भर के खाया, और मुझे खुशी हो रही है कि एक डॉग ने मतलब पेट भर के खाया, और उसने दुआएं भी की होंगी हमारे लिए, जाहिर सी बात है। तो जानवर है यार, मतलब यार अगर अल्लाह ने मुझे दिया ना, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी ना, तो मैं ऐसे जानवरों को काफी ज्यादा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो भी मुझसे होगा। अगर अल्लाह ने मुझे इतना दिया ना, तो मैं जो भी मुझे जानवर गली में होंगे कहीं भी होंगे ना, तो ऐसे जानवरों को मैं इंशाल्लाह खाना खिलाता रहूंगा। तो भाई मुझे काफी मजा आया, और दिल मेरा जो है ठंडा हो गया ऐसे करते हुए, ऐसे काम करते हुए। मुझे काफी अच्छे लगते हैं कैट और डॉग ना, मुझे काफी अच्छे लगते हैं, और डॉग तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो है ना काफी वफादार जानवर होते हैं। तो भाई मैं इस लोग यहाँ पे करता हूँ एड, और अभी तक आपने को एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर मजा आया तो कर दो डबल लाइक कर दो, डबल क्लिक कर दो, और शेयर भी कर दो। तो भाई मैं इस ब्लॉग यहाँ पे करता हूँ एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।